हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपकी मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ क्विज के अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और नॉर्मलाइजेशन एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ना कि नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो केवीएस में भी होगा क्योंकि बहुत एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, पीआरटी का और भी बहुत सारे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम। तो जब तक वो बातें तथ्य के साथ, किसी सर्कुलर नोटिस के साथ ना बताई जाए तब तक उस बातों का यकीन नहीं होता। ठीक है, तो ये 18 तारीख का सर्कुलर रिलीज़ करा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द रिक्रूटमेंट एजेंसी दैट इज CBSE देखो हैज़ टू डिसाइड नॉर्मलाइज द स्कोर ऑफ कैंडिडेट ऑफ द विच हैज़ कंडक्टेड इन मल्टी शिफ्ट। जो भी मल्टी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपका डिफरेंट पोस्ट PRT का हो गया, सेक्रेटरीट का हो गया, लाइब्रेरियन का हो गया, जिनके भी एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं। अब इसके बाद हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता है कि इससे हमें नुकसान होगा या फ़ायदा। देखो, याद रखना कि नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबर कम नहीं होंगे। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबर कम नहीं होंगे तो यूनिफॉर्मली सबको फ़ायदा होता है। ठीक है ना, और जिस एग्ज़ाम का पेपर टफ आया और जिसका बहुत ईजी आया, उनके बीच के गैप को फिल करने के लिए प्रोसेस होती है। थैंक यू।